हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर फूड। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गोभी मटर की स्वादिष्ट होटल जैसी सब्जी। तो इस सब्जी का नाम हमने रखा है गोभी बटर मसाला। गोभी की सब्जी को किसी और सब्जी के साथ मिलाकर बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। आज हम गोभी में मटर डालकर गोभी मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने ये 500 ग्राम गोभी ले लिया है और इसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ ही ये हरा धनिया काट के लिया है, दो टमाटर मीडियम साइज के और एक प्याज बड़े साइज का, थोड़ा सा हमें हरी प्याज ली है और एक बाउल फुल भर के हमने ये मटर के दाने ले लिए हैं। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में गोभी को डाल लेते हैं और इसमें डालते हैं हम ये गरम पानी। ये नमक मिला हुआ गरम पानी है और इसमें हम इसे लगभग 15 मिनट तक डुबो के रखेंगे और 15 मिनट के बाद हम वापस इसको उस बाउल में निकाल लेते हैं। गोभी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो गर्म पानी से मर जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा गोभी तैयार हो जाता है बनाने के लिए। तो आप जब भी गोभी बनाएं, गोभी को एक बार गर्म पानी से अवश्य धोएं। चलिए सारी प्रिपरेशन कर लिए हमने, अब हम चलते हैं रसोई में और बनाते हैं ये गोभी की सब्जी। सबसे पहले हमने एक आयरन कढ़ाई को रख लिया है और इसके बाद हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के हम चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं, और तेल फुल गर्म हो गया है। अब हम गोभी के लिए इसमें फ्राई करते हैं। साथ में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे गोभी फ्राई भी हो जाए और साथ में गल भी जाए। इसको हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और फ्राई करते समय हमें इसके कलर को एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेना है और ये लगभग 70% जो है गल जाएगा गोभी। फ्राई होते होते ये लगभग 70% या 80% इसको हमें गला लेना है। हम इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे क्योंकि ये हर जगह इक्वल फ्राई होगा, इसलिए हम इसको चला चला के फ्राई कर लेंगे। तो हम इसका कलर सुनहरा होने तक इसको तल लेते हैं। टमाटर और प्याज को हमने पहले ही बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को आप चॉप करने की जगह आप टमाटर के लिए मिक्सी में भी पीस सकते हैं। 500 ग्राम गोभी के लिए आप 3 बड़े साइज के टमाटर को मिक्सी में पीस सकते हैं। गोभी ऑलमोस्ट पककर तैयार हो गई है। तो इसका कलर देखिए एकदम से गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको ढककर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ढका नहीं है, मैं बिना ढके ही इसको फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए फ्राई हो गई है अच्छे से, गोल्डन फ्राई।
अब हम क्या करते हैं, ये खड़े मसाले ले लिए हमने, दो इलायची, काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ता। सबसे पहले हम इसको भूनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून जीरा, और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च को दरदरा कूट के लिया है इसको हम डाल देंगे। और इसके साथ ही हम एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने बारीक चॉप किया है वो डाल देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम तीखी वाली मिर्च है, और इसके साथ ही हम धनिया डाल देंगे। धनिया पाउडर डालने के बाद ही हम टमाटर और हरा प्याज, मतलब जो आल होती है वो हमने काट के रखी थी एक बाउल, उसको भी हम प्याज के साथ में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। धनिया पाउडर की जगह आप चाहें तो यहाँ पर किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। साथ में हम मटर भी डाल देते हैं। मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली मटर है, ये एकदम ताजी हरी मटर है, इसके लिए हम अभी डाल देते हैं जिससे कि ये टमाटर के साथ में अच्छे से गल जाएगी, और ढक के हम 5 मिनट तक पकाते हैं। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि पूरा मसाला अच्छे से पक गया है, और देखिए मसाले ने कढ़ाई भी छोड़ दी है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है फ्रेंड, इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे जिससे ये टमाटर और मटर बहुत अच्छे तरह से गल जाएंगे। अभी गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब हमने जो गोभी फ्राई किया है उसको इसमें डाल देंगे। मटर गोभी डालकर इसमें मिला लेंगे, और ये ग्रेवी हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल के गोभी को सही सही ग्रेवी वाली बनाएंगे। देखिए बनके तैयार हो गई है ये चटकारे वाली गोभी। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया बहुत सारा, और इसको अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक के लगभग 2 मिनट के लिए हम रखेंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसको एक बाउल में परोस लेंगे, और ये सब्जी अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस तरह से गोभी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।